इस टीजर को देखकर मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया है। ये टीजर वेडात वीर मराठे दौड़ेले साथ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास का एक अविस्मरणीय घटक है, उस इतिहास को खत्म करने के लिए यह वेडात वीर मराठे दौड़ेले साथ इस मूवी का निर्माण किया गया है। और इस टीजर को देखकर इतना गुस्सा आता है कि शब्दों में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ज्वलंत इतिहास है, उसे खराब करने के लिए, उसे साफ करने के लिए यह सब फिल्म मेकर्स उतावले हो गए हैं, यही इस टीजर से समझ में आता है। क्योंकि जब इस फिल्म के उद्घाटन का एक बड़ा प्रोग्राम मुंबई में आयोजित किया गया था, तब संजय मांजरेकर की डबल औलाद, मतलब जो लड़का भी है और लड़की भी लगता है, ये डबल औलाद, उसे भी इस फिल्म में किरदार दिया गया है एक मावले के तौर पे। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का ज्वलंत इतिहास है, वेडात वीर मराठे दौड़ेले साथ, सिर्फ 7 मावलों ने मुगलों की छावनी में घुस के उनको तहस नहस कर दिया था, उस इतिहास के एक मावले का किरदार इस वेडात वीर मराठे दौड़ेले इस मराठी मूवी में संजय मांजरेकर के लड़का सत्या मांजरेकर को वो किरदार दिया गया है। किसी भी एंगल से वो आपको एक अच्छा मावला लगता है क्या, इस टीजर से आप देख लेना। मतलब पप्पा नहीं तो बना रहे एज अ दत्ता जी, पर नमस्कार, मैं मयूर पाटिल आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आज के महंगाई के ज़माने में सिर्फ 10 रुपए से लेकर जितने चाहे पैसे उतने डिजिटली एक ऐप में सेविंग करने के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। उस एप्लीकेशन का नाम है जार। इस ऐप के जरिए आप 10 रुपए से लेकर जितने चाहे पैसे उतने डिजिटली UPI और नेट बैंकिंग के थ्रू सेविंग कर सकते हैं। ये ऐप प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और बिल्कुल ही सिक्योर है। इस ऐप के जरिए आप अपने फ्रेंड को भी रेफर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 500 रुपए तक का बोनस मिल जाएगा। गाइस, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके उसे चेकआउट करिए और आपके महंगाई के ज़माने में पैसे बचाइए। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे अखंड भारत के आराध्य देव थे, लेकिन उनके ज्वलंत इतिहास का इस्तेमाल बॉलीवुड सहित कई सारे फिल्म इंडस्ट्री, कई सारे इंडस्ट्रियल लोग, बड़े बड़े लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास समाज में पहुँचना चाहिए, लेकिन वो भी अच्छे तरीके से, अच्छे कलाकारों के साथ। लेकिन संजय मांजरेकर जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, वेडात वीर मराठे दौड़ेले इस मराठी फिल्म के, इस फिल्म में उन्होंने अपने बेटे सत्या मांजरेकर को लॉन्च किया, जो कि इस किरदार के लिए लायक ही नहीं है। इससे एक ही बात सामने आती है कि संजय मांजरेकर खुद के और खुद के बेटे को प्रसिद्धि में लाने के लिए यह सब कर रहे हैं। पैसे कमाने के होड़ में छत्रपति शिवाजी महाराज, जो महाराष्ट्र के आराध्य देव थे, उनके इतिहास का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सत्या मांजरेकर जो संजय मांजरेकर का लड़का है, उसे इस फिल्म में मावड़े का किरदार देके सबसे बड़ी गलती इन लोगों ने की है। किस एंगल से लगता है कि वो उसके हावभाव देख के कभी लगता है कि ये मावड़े के रूप में काम कर पाएगा? एक छोटा सा 4थी कक्षा का लड़का भी कह सकता है कि ये मावड़े बनने के किरदार के लायक ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ये किरदार दिया गया। इससे पता चलता है कि इन लोगों की सोच कितनी खोटी है, और इससे हम जैसे लोगों जो शिव प्रेमी है, जो शंभू प्रेमी है, उनको कितना गुस्सा आया होगा आप सोच के देखिए। वेडात वीर मराठे दौड़ेले साथ इस मूवी के उद्घाटन का प्रोग्राम जो मुंबई में आयोजित किया गया था, उस प्रोग्राम में इन 7 मावलों को घोषित किया गया। उनके किरदार हमारे सामने दिखाई गए, आप सोचकर देखिए, आप इनको देखिए किस एंगल से ये लोग मावले लगते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले का मतलब है सिर पर पगड़ी, एक भारी भक्कम शरीर, चेहरे पर तेज, ऐसी से छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले। लेकिन हमारे सामने जो दिखाई गए, किस एंगल से ये मावले लगते हैं, ये तो सिर्फ गुंडे लगते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले मतलब ऐसा जी, तानाजी, जीवाजी, बाजी, नेताजी, ये थे शिवाजी महाराज के मावले। और आज के टाइम पर भी हमारे सामने मावले का एक ज्वलंत उदाहरण है, अमोल कोल्ले का गरुड़ जेब ए मूवी। इस मूवी में जो मावले दिखाए गए हैं उन्हें आप देखिए, और इस मूवी के लिए जो लॉन्चिंग किए गए हैं इन मावलों को देखिए, आपको कौन से मावले गुंडे लगते हैं और कौन से असली मावले लगते हैं। इस संजय मांजरेकर के बारे में हम क्या कहें, इस मूवी में अक्षय कुमार को छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल देके उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। हालांकि इससे पहले भी पृथ्वीराज चौहान जैसे ऐतिहासिक मूवी में अक्षय कुमार काम कर चुके हैं, जिसे हमने फुल सपोर्ट दिया, हमने इस मूवी को प्रमोट किया,
हमने जगह जगह पे लोगों को बोला, वीडियोस के जरिए बोला, यूट्यूब के जरिए बोला, मैसेज के जरिए बोला कि पृथ्वीराज चौहान का एक ज्वलंत इतिहास है और पहली बार उन पर कोई फिल्म बन रही है, उसे आप ज़रूर देखिए। इसके लिए हमने जगह जगह पे प्रमोट किया, लेकिन क्या हुआ उसके बाद, ये मूवी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, क्योंकि हमने पृथ्वीराज चौहान जैसे ज्वलंत किरदार के रूप में अक्षय कुमार जैसे कॉमेडी कलाकार को स्थान दे दिया। एक चपटे गाल वाले कॉमेडी कलाकार को हमने इस मूवी में घुसा दिया, जो कि इस किरदार के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसे घुसा दिया और मूवी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। अक्षय कुमार जो 30 दिन में मूवी को शूटिंग करके ख़त्म कर देते हैं, ऐसे ऐतिहासिक किरदार के लिए 1% भी मेहनत अक्षय कुमार ने नहीं ली है, जो हमें पृथ्वीराज चौहान के मूवी के रूप में देखने को मिलता है कि अक्षय कुमार ने कितनी मेहनत ली है ऐसे मूवीज़ के लिए, 1% भी नहीं, लेकिन फिर भी अक्षय कुमार को ऐसे रोल्स दिए जाते हैं। इससे सारा सार पता चलता है कि ऐतिहासिक विटंबना इस मूवीज़ के जरिए लगातार करते जा रहे हैं ऐसे लोग, जो कुछ प्रादेशिक पार्टियों के लोग भी करते जा रहे हैं, ये तो हमारे सामने ही है, लेकिन कलाकार जो लोग भी ऐसा करेंगे, जो इतिहास को ज्वलंत तरीके से जिंदा तरीके से लोगों के सामने पेश करते हैं, लोग पढ़ना तो पसंद नहीं करते लेकिन देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप ऐतिहासिक हमारे प्रेरणा स्थान की विटंबना करेंगे तो हमें कितना बुरा लगेगा, और उस इतिहास जो हमारे प्रेरणा स्थान है छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, उनका कितना अपमान होएगा, ये सोचने वाली बात है। इस संजय मांजरेकर भी अक्षय कुमार के साथ में कनाडा भेज देना चाहिए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्वलंत इतिहास का इस्तेमाल ये लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। पिछली बार हर हर महादेव इस मूवी में छत्रपति शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु देशपांडे इनके बीच में युद्ध दिखा दिया इन लोगों ने, जो कि ऐतिहासिक किसी भी किताब में नहीं है, जो कि इतिहास में हुआ ही नहीं है, वो इन लोगों ने दिखाया। ऐसे करके ये लोग इतिहास की विटंबना कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसे ऐतिहासिक मूवी बनाने से पहले आपने किन किन बातों का ख्याल रखा, आपने किन किन लोगों से बातचीत की, आपने किन इतिहासकारों की इसी बारे में जानकारी ली है, उनसे आपने बातचीत की है कि नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहता है। हालांकि अगर आज की बात की जाए, छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में अक्षय कुमार तो बिल्कुल भी अच्छे नज़र नहीं आते। ऐसे नहीं कि कोई कलाकार नहीं है, कलाकार बहुत लोग है, ये अमोल कोल्हे जी है, शंतनु मोघे जी है, शरद केडकर जी है, कई सारे कलाकार है, अगर ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारे कलाकार मिल जाएंगे, लेकिन ये लोग ऐसा करते हुए नज़र नहीं आते, किसी को भी थोप दे रहे हैं मावले के रूप में, छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में। यह लोग सिर्फ प्रसिद्ध एक्टरों के ही ऐसे किरदार देते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर में आए और यह लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। इस मूवी का ट्रेलर अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन दावे के साथ मैं आपको कहता हूँ, इस मूवी के जरिए ये लोग गोल गोल घुमा के इतिहास को आपके सामने पेश करेंगे, जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गोल गोल घुमा के आपके सामने मूवी पेश करेंगे। पृथ्वीराज चौहान जैसी ऐतिहासिक मूवी जैसे फ्लॉप हुई, वैसे ही यह मूवी फ्लॉप होने वाली है, आप दावे के साथ में लिख लेना। दोस्तों, इस वीडियो को आप यहाँ तक देख के आए हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और जार ऐप की लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे जाके चेकआउट करिए, और आज के महंगाई के ज़माने में पैसे ज़रूर बचाइए। धन्यवाद। जय शिवराय।